हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये गाइस हमारा वैगनर का ZXI प्लस वेरिएंट। इसमें जब आपको इंजन प्रोवाइड किया जाता है वो आपको मिलता है 1200 सीसी का, मतलब 4 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलेगा। बाकी में आपको 1 लीटर मिलता है अगर लोअर वेरिएंट्स में आप जाएंगे। यहाँ पे आपको ZXI प्लस में आपको 1.2 लीटर का इंजन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है आपके 89 bhp और 113 Nm का टॉर्क आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी में जो काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी लगी हुई हैं उनका भी मैं रेट आपको बताऊँगा एक एक करके, और क्या क्या एक्सेसरीज एक्स्ट्रा लगी हुई हैं वो भी मैं आपके लिए एक एक करके कवर करता हूँ। बाकी फ्रंट से बात करते हैं, गाड़ी का फ्रंट लुक आपको इस टाइप से आपको मिलने वाला, काफ़ी लार्ज हेडलैम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, इस टाइप से आपको साइड प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी गाड़ी का फ्रंट लुक की बात करते हैं, क्या क्या वहाँ पे आपको पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाएगा। पहले बात करते हैं बम्पर में। बम्पर में जब जो सिल्वर कलर का आप स्किड प्लेट देख रहे हैं, ये आपका पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। ऊपर जो ग्रिल है वहाँ पे भी आपको पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आपको देखने को मिलेगा। जो आपको जिगजैग वाला पैटर्न है, जो ऊपर आपकी लाइन चल रही है, ये वाला पार्ट आपका एक्सेसरीज का पार्ट है। बाकी जो नीचे आपकी ओरिजेंटल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जो वो आप जो क्रोम की लाइन है, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो आपका कंपनी से मिलता है। बाकी आपका जितना भी ऊपर को क्रोम का पार्ट है वो आपका सारा, मतलब एक पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आपका। बाकी बम्पर के लोअर पार्ट पे जहाँ पे आपका सिल्वर कलर आप देखने को मिल रहा है, वो भी आपका पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। अगर आप कंपनी से लेते हो तो वहाँ पे सिर्फ आपको ब्लैक कलर का आपको देखने को मिलेगा, बट कस्टमर ने अपनी तरफ से लगवाया शोरूम से तो वहाँ यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है। हेडलैम्प्स की बात करते हो, यहाँ पे आपको सारे हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको हेलोजन ही मिलेंगे, मतलब जितनी भी लाइट्स आपकी फ्रंट में सारी आपको हेलोजन ही मिलेगी। कोई भी आपको यहाँ पे DRL LED लाइट्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी नीचे आपको फॉगलैम्प मिल जाता है, वो भी यहाँ पे आपको हेलोजन ही मिलेगा, उसमें भी कोई भी आपको LED नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको गाड़ी का टोइंग हुक आपको देखने को मिल जाता है। तो ये था आपका वैगनर का फ्रंट लुक। बाकी गाड़ी की साइड प्रोफाइल से भी बात करते हैं, साइड प्रोफाइल में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में भी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज लगी हुई, वो भी मैं आपके लिए कवर करूँगा क्या क्या एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाती है। अराउंड 40,000 की इसमें गाड़ी में एक्सेसरीज कंपनी की तरफ से, मतलब शोरूम की तरफ से लगी हुई है। बाकी उसका जो रियल प्राइस है उस कंपनी ने, मतलब शोरूम ने क्लेम किया है कि 53,000 समथिंग, वो मैं आपके लिए बाद में कवर करूँगा। तो बाकी यहाँ पे आपको जो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको एक्सेसरीज देखने को मिल जाती है। सो साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, इस टाइप से आपको साइड प्रोफाइल आपको मिलने वाला, आपको बी पिलर और जो आपको सी पिलर है ब्लैक डॉट आपको मिल जाता है। सी पिलर आपको थोड़ा सा ब्लैक डॉट मिलेगा, बट बी पिलर आपको पूरा ब्लैक डॉट देखने को मिलेगा। ए पिलर यहाँ पे आपको ब्लैक डॉट देखने को नहीं मिलेगा। जो आपका डोर हैंडल्स और जो आपका ओरियम है वो आपको बॉडी कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। जो आपका डोर बीटिंग देख रहे हैं आपको नीचे, वहाँ पे भी साइड मोल्डिंग उसको बोलते हैं, वो भी आपका पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। जो रनिंग बोर्ड पर आपको सिल्वर कलर दिख रहा है वो भी आपका पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। और जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपके व्हील आर्चेस पे आपको क्लेडिंग दिख रहे हैं वो भी आपका पार्ट ऑफ एक्सेसरी है, वो आपको कंपनी से लगा हुआ नहीं मिलता है। बाकी एलॉय व्हील की बात करते हैं, एलॉय व्हील आपको ब्लैक ही मिलता है ZXI प्लस में, इसमें कोई भी कलर नहीं कराया गया कस्टमर की तरफ से। 14 इंच का यहाँ पे आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेगा, और आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं। साइज़ की बात करें तो टायर की विड्थ है वो आपको यहाँ पे 165 मिलेगी, मतलब 165 आपकी टायर की विड्थ और 70 आपकी टायर की वॉल थिकनेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बाकी जो व्हील क्लेडिंग के नीचे आपकी कवरिंग होती है वहाँ पे आपको बिल्कुल भी कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम आपकी जो कवरिंग आपको देखने को मिलती है। बहुत ही थोड़ा सा पार्ट आपका प्लास्टिक का यूज़ हुआ, कस्टमर ने अपनी तरफ से जो अंडरबॉडी कोटिंग वो करा रखा है, इसलिए आपको सारा पार्ट अंदर का ब्लैक दिख रहा है, अदरवाइज जो बॉडी कलर का आपको वहाँ देखने को मिलता है। बट आप देख सकते हैं आपको सिर्फ इतना सा पोर्शन जो प्लास्टिक का, आपको बाकी सारा वहाँ पे आपको मेटल मिलने वाला है, और पीछे के साइड आपको सिर्फ इतना सा पोर्शन आपको प्लास्टिक का मिलेगा, बाकी सारा यहाँ पे आपको मेटल आपको देखने को मिलेगा। पीछे तो और भी बुरा हाल है, पीछे तो आपको बिल्कुल भी कवरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, सारा ही मेटल वहाँ पे आपको एक्सपोज मिलने वाला है। बाकी जैसे हमने आपका डोर बीटिंग और जो लोअर जो आपका रनिंग बोर्ड पर आपकी स्कर्ट्स लगी हुई है वो सारी आपकी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज हैं। सो रियर में देख सकते हैं, रियर में आपको बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं उसको, मेटल आपको विजिबल है, बिल्कुल भी कवरिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी आपकी अंडरबॉडी कोटिंग हुई है, इसलिए आपको ब्लैक कलर में फिनिश देखने को मिल रहा है। बाकी जैसे मैंने बताया, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स आपको देखने को मिलेंगे, रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी गाड़ी में जो सनवाइजर, ये भी आपका पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, ये भी आपको कंपनी से लगा हुआ नहीं मिलता। बाकी स्पॉइलर भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका कंपनी से नहीं लगा, ये भी कस्टमर ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगवाया हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें गाड़ी में एक्स्ट्रा, वो मैंने आपके लिए कवर कर दी, मोस्टली सारी कवर ही कर दी जो जो आपकी लगी हुई हैं। थोड़ा बहुत इंटीरियर में भी एक्स्ट्रा काम हुआ है, बाकी जो रियर साइड है गाड़ी का वहाँ पे भी एक्स्ट्रा काम है, वो भी आपके लिए कवर कर दूंगा। बाकी आपको डोर गार्ड आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जो फ्लैप हैंडल आपको नॉर्मल फ्लैप हैंडल मिलेंगे, उसके नीचे आपको की होल आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी में। ओरियम की डिज़ाइन की बात करें तो इस टाइप से आपको ओरियम का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, वही जो आपको स्विफ्ट वाला है वही डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसी पे आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है, और इधर आपको जो स्प्रे नोजल है वो आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 2 स्प्रेज आते हैं आपके, 2 इधर से राइट साइड से और 2 आपके राइट लेफ्ट साइड से आते हैं, तो टोटल 4 स्प्रे आपको देखने को मिल जाता है आपके विंडस्क्रीन पर। जो आपका क्या बोलते हैं, एंटीना आपको शार्प नहीं मिलेगा, नॉर्मल एंटीना आपको मिलेगा, और जो रूफ है वो भी यहाँ पे आपको रिप्ड आपको देखने को मिल जाती है। तो ये था आपको गाड़ी का फ्रंट और साइड प्रोफाइल। बाकी गाड़ी की रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, रियर प्रोफाइल आपका गाड़ी का इस टाइप से आपको मिल रहा है। जो स्पॉइलर से गाड़ी का लुक है काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो गया, पहले ही गाड़ी ऊंची लगती थी, स्पॉइलर की वजह से थोड़ी और ऊंची लग रही, तो गाड़ी का जो रियर प्रोफाइल है काफ़ी यहाँ पे आपको अच्छा देखने में लगेगा। रियर में भी आपको काफ़ी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका बम्पर के लोअर पार्ट पे आपका जो सिल्वर कलर है,
आपकी सिल्वर कलर की स्किट प्लेट है वो भी आपका पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, और क्रोम का ट्रीटमेंट आपका बूट पे, बूट का जो गेट है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। हम बाद में आपके लिए कवर करता हूँ, बताता हूँ आपको। जिस पर आपका वैगनर लिखा है वो तो आपका कंपनी से लगा हुआ मिलता है, बट ये वाला जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, आपको कंपनी से देखने को नहीं मिलता है, कस्टमर ने अपनी तरफ से लगवाया हुआ है। बाकी ऊपर यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाता है रियर वाइपर, बट रियर डिफोकर यहाँ पे आपको टॉप एंड में भी देखने को नहीं मिलेगा वैगनर में। बाकी ऊपर आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपका रियर वॉशर मिल जाता है। जो स्पॉइलर का लुक है काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक लगने वाला, कोई नॉर्मल स्पॉइलर नहीं है, मतलब स्पोर्टी स्पॉइलर आपको देखने को मिल जाता है। इसकी एक एक चीज़ की मैं कॉस्ट आपको बताऊंगा बाद में, मेरे पास पेपर है उसमें लिखा हुआ है, सब आपके लिए बाद में कवर करूंगा। बाकी देर में आपको दो ही पार्किंग सेंसर मिलते हैं, तीन पार्किंग सेंसर यहाँ पे आपको या चार आपको देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ दो आपको मिलते हैं, वो भी दोनों आपके सेंटर में ही प्लेस्ड है। रिवर्स कैमरा आपको गाड़ी में नहीं मिलता, ये भी कस्टमर ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगवाया, वो पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, उसका भी रेट मैं आपको दिखा दूंगा बाद में किस टाइप से आपको देखने को मिलता है। बाकी वाला पार्ट जो मैं बता रहा था आपको, पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, ये भी आपका कस्टमर ने अपनी तरफ से लगाया, ये कंपनी से ऐसा नहीं आता है, कंपनी से पूरा ब्लैक आपको देखने को वहाँ पे मिल जाता है। बाकी गाड़ी के अंडर बॉडी की बात करते हैं, अंडर बॉडी इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो पूरी कोटिंग आपकी गाड़ी नीचे से पूरी ब्लैक है, क्योंकि कस्टमर ने जो अंडर बॉडी कोटिंग है वो करा रखी है। बाकी राइट साइड में आपको जो टेल पाइप है वो राइट साइड में आपको गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो ये था आपका गाड़ी का रियर प्रोफाइल लुक। बाकी लाइट्स की बात करते हैं, लाइट्स यहाँ पे आपको एलईडी रियर में भी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपका टेल लैंप मिल जाता है, नीचे आपको हेलोजन जो टर्न इंडिकेटर वो मिल जाता है, बाकी नीचे आपको रिवर्स लैंप आपको देखने को मिलेगा। सारी लाइट यहाँ पे आपको हेलोजन ही मिलेगी, कुछ भी यहाँ पे आपको एलईडी गाड़ी में नहीं मिलता, ना ही फ्रंट में, ना ही पीछे की साइड, ना ही आपको अंदर, सारा बल्ब यहाँ पे आपको एलईडी ही मिलेंगे। बाकी यहाँ पे आपको बूट ओपन करने के लिए आपको लीवर मिल जाता है, और उसके दोनों साइड में आपकी नंबर प्लेट के लिए लाइट्स यहाँ पे आपको प्लेस मिलते हैं, नंबर प्लेट की जो लाइट है उनका थ्रो भी आपको वहाँ पे येलो ही मिलने वाला है। बाकी जब बूट ओपन करेंगे तो इतना वाइड आपका बूट आपका ओपन हो जाता है, जो आपका टेल गेट है इतना ऊपर चला जाता है। जो बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा वो आपको मिलता है 3 for 1 liter का वैगनर में। बाकी यहाँ पे जो कवरिंग मिलती है आपकी, ये प्लास्टिक में कवर्ड आपका नहीं है, यहाँ पे भी आपको कोस कटिंग आपको देखने को मिलेगी। ये वाला जो इंसुलेशन होता है, जो आपका क्या बोलते हैं बोनेट के नीचे इंसुलेशन मिलता है कपड़े वाला, वो इंसुलेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पार्शियल ट्रे आपको गाड़ी में देखने को मिलती है, बट वहाँ पे आपको थ्रेड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर इसको आपको ऊपर करना है तो आपको हाथ से इसको ऊपर करना पड़ेगा, आपका जो मतलब जैसे आपका टेल गेट ओपन होता है थ्रेड वाले में, जैसे टेल गेट ओपन होता है अपने ऊपर हो जाता है, बट इसमें वो केस नहीं है, इसमें आपको अपने आप ही हाथ से आपको मैनुअली ऊपर करना पड़ेगा। ये फ्लोर मैट है, ये भी आपका पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, कंपनी से आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी आपको टूल किट की प्लेसमेंट और क्या बोलते हैं उसको वार्निंग ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। बाकी इधर कोई भी आपको हुक वगैरह, कोई भी आपको लैंप वगैरह आपको गाड़ी में देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई कभी होल यहाँ पे आपको बूट में वैगनर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ दो क्या बोलते हैं पिंस वगैरह, थोड़ी सी जो पिंस है यहाँ पे मिसिंग थी, जो क्लिप्स होती हैं यहाँ पे मिसिंग, इस साइड थी पर उस साइड नहीं थी, शायद बाद में पीडी होने के बाद वो लग जाएगी। कस्टमर लोग ये सब तो चीज़ें लगवा लेते हैं मैट वगैरह, बट इसके बाद जो क्या बोलते हैं जो फ्लोर का मैट होता है बूट का मैट, उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब यहाँ पे अटकता है, जो इसका क्या बोलते हैं जो प्लास्टिक का पार्ट है उसमें अटकता, तो अच्छे से प्लेस नहीं हुआ था वो, शायद जो ब्लू क्या बोलते हैं जो फ्लोर मैट है वो भी अच्छे से प्लेस नहीं हुआ था, वो भी फंस रहा था, तो मेरे को निकालने में थोड़ी मेहनत लगी। अगर अच्छे से प्लेस करता तो इजीली शायद वो निकल जाता। तो स्पेयर व्हील की बात करते हैं, स्पेयर व्हील यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टील रिम ही मिलेगा, साइज आपको सेम मिलता है, 14 इंच का आपको स्पेयर व्हील आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये सेट करके, तो यहाँ पे आपको जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है, नॉर्मल आपको स्टील रिम आपको देखने को मिलेगा। साइज भी आपको सेम ही मिल जाता है, 165 जो आपको बार विड्थ थी वही सेम विड्थ यहाँ पे आपको मिलेगी 165, और जो वॉल थिकनेस है वो भी आपको सेम ही मिलेगी, 70 आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 165x70 R14। तो जो आपका स्टील रिम का मतलब स्टील रिम कह रहा हूँ, जो आपका स्टेपनी का साइज है वो आपको सेम वही मिलने वाला जो आपको बाहर चारों टायरों में आपको देखने को मिलता है। तो ये था आपका वैगनर का बूट। बाकी हेडरेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 4 हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, बट चारों आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, चारों आपको फिक्स्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। रियर में आपको 2 ही मिलते हैं, 3 आपको नहीं मिलते हैं, और जो 2 मिलते हैं वो भी आपको फिक्स्ड ही देखने को मिलेंगे। 3-point सीट बेल्ट भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 ही बेल्ट आपको टेंशनर के साथ मिलती है, तीसरी वहाँ पे आपकी रखी है लैप बेल्ट। बाकी जो रियर बेंच है वहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट वाला पार्ट आपका 60 में फोल्ड होता है, राइट वाला आपको 40 में, पर फोल्ड करने के बाद भी आपको फ्लैट सरफेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो सरफेस आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको ऊँचा देखने को मिलता है। श्वेता गाइस आपका गाड़ी का रियर से आपको मैंने बता दिया, बाकी अंदर से चल के बात करते हैं, अंदर यहाँ पे आपको क्या क्या आपको गाड़ी में देखने को मिल जाता है, आपको एक बार लाइट दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आपको LED लाइट्स नहीं मिलती, और जो नंबर प्लेट के लिए लाइट है वो भी यहाँ पे आपको येलो ही मिलने वाले, वो भी यहाँ पे आपको व्हाइट लाइट कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। कहने की बात है गाड़ी में आपको कहीं से भी ऐसा कुछ भी प्रीमियम फील आपको गाड़ी में नहीं आने वाला है, तभी कस्टमर ने गाड़ी में इतना काम कर रखा ताकि उसको थोड़ा सा प्रीमियम फील गाड़ी में आए। सो गाड़ी के रियर सीट पर चल के बात करते हैं, रियर सीट में आपको क्या क्या वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी में, क्या क्या फीचर्स आपको मतलब क्या क्या एक्सेसरीज आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी जो कस्टमर ने अपनी तरफ से लगवाई है। पहले सीट ऊपर उठा देते, पहले तो आप नीचे मैट आप देख सकते हैं, वो भी आपको एक्स्ट्रा मतलब कस्टमर ने अपनी तरफ से लगाया, और जो गाड़ी में सीट कवर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, ये भी कस्टमर ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाया, कंपनी की तरफ से आपको नॉर्मल फैब्रिक सीट्स देखने को मिलती है।
रेयर में आपको कोई भी कैमी लाइट वगैरह आपको देखने को मिलेगी, कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता, ना ही कोई आपको रियर एसिवेंट आपको देखने को मिलेगा। सेंटर में कोई कप होल्डर नहीं मिलता, बट आपको डोर पैड पे आपको कप होल्डर मिल जाता है, बट सेंटर में आपको सीट के वहाँ पे कोई भी कप होल्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको आर्मरेस्ट मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको जो क्या बोलते हैं जो सिरेमिक ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं, ये भी आपका पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, कंपनी की तरफ से नहीं आता ये। बाकी आपको क्या बोलते हैं आगे भी आपको ये देखने को मिलेगा, वो उसके लिए भी आपको दिखाऊंगा, वो पेपर आगे रखा है उसका भी मैं डिटेल सारी आपको दिखाता हूँ अभी। बाकी यहाँ पे आपको पावर विंडो मतलब विंडो अप डाउन के लिए स्विच मिल जाता है, इधर आपका डोर अनलॉक करने के लिए लीवर मिलेगा। बाकी नीचे वही आपको स्पीकर की प्लेसमेंट और यहाँ पे आपका मैट आपको इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, और डोर सील गार्ड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो ये भी कस्टमर ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगवाया। बाकी जो मैं बता रहा था आपको कोई भी रियर में कैबिन लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही कैबिन लाइट मिलती है आपको गाड़ी में आगे की तरफ। रियर से आपको इस टाइप से यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड आपको देखने को गाड़ी में मिल जाता है। सो ये सब आपको मिलता है रियर डोर पे, आपको रियर डोर पे बाकी कोई भी गाड़ी में आपको सॉफ्ट टच आपको डोर पैड पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। गाड़ी में इंटीरियर तो आपको ब्लैक एंड बेज में मिल जाता है, मतलब डुअल टोन में आपको मिल जाएगा, बट जो आपका डोर पैड है वो आपको सिंगल टोन में ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो सिरेमिक ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं, प्लास्टिक का कवर ही मतलब कुछ वैसा नहीं है, कोई रैपिंग नहीं है, बट प्लास्टिक का कवर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो सिरेमिक ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का। बाकी जो आपका ड्राइवर साइड वाला विंडो आपको ऑटो डाउन मिलता है, ऑटो अप वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। पावर विंडो आपको गाड़ी में चारों आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी उसके आगे वही आपको लॉक अनलॉक के लिए बटन मिल जाता है, और जो आपको क्या बोलता है विंडो लॉक करने के लिए बटन मिल जाएगा। फोर व्यू में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और कोई यहाँ पे मतलब और कोई कंट्रोल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपका ड्राइवर साइड वाला जो विंडो का बटन है वो आपको बैकलिट मिलेगा। एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जो स्क्रूज है वो यहाँ पे आपको विजिबल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक छोटी सी कैप आती है वहाँ पे, वो लगा देते हो तो थोड़ा सा प्रीमियम फील, थोड़ा सा तो प्रीमियम फील आ जाता है एटलीस्ट, क्योंकि बाकी तो गाड़ी में कहीं भी प्रीमियम फील है नहीं, प्रीमियम फील तो उससे भी नहीं आता, बट एटलीस्ट जो क्या बोलते हैं जो स्क्रूज वगैरह वो विजिबल नहीं होते तो अच्छी बात थी। बाकी सारा आपको हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिला, चाहे आपका रियर डोर है फ्रंट डोर हो। यहाँ पे आपके स्पीकर की प्लेसमेंट, बोट होल्डर के लिए स्पेस और मैगजीन होल्डर के लिए स्पेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में भी आपको डोर सील गार्ड जो आपका मैट आपको देखने को मिलता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया देता पहले, अभी आपका पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। बाकी यहाँ पे आपको जो चेसी सॉरी जो इंजन नंबर और जो VIN नंबर है उसकी नेम प्लेट यहाँ पे आपको नंबर प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी, नेम प्लेट मतलब। बाकी जो जैक की प्लेसमेंट आपको फ्रंट साइड में आपको ड्राइवर साइड के नीचे आपको देखने को मिलेगी। जो ड्राइवर साइड वाली सीट है उसमें सिर्फ आपको रिक्लाइन एंगल और आगे पीछे आप उसको कर सकते हैं, हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, हाइट एडजस्ट उसकी नहीं कर सकते। बाकी इधर से आपको फ्यूल फ्लैप ओपन करने के लिए आपको लीवर मिल जाता है, इस टाइप से आपको मैट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा क्योंकि व्हाइट कलर का वैगनर की बैजिंग है वहाँ पे, तो बहुत जल्दी वो गंदी होने वाली है। बाकी यहाँ पे आपके ABC पैडल मिल जाएंगे और डेड पैडल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, उसकी विड्थ और डेप्थ भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं है, यूजफुल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपके जो स्टेयरिंग की रैक वगैरह आपको देखने को मिलेगी, जो ब्रेक के लिए सिलेंडर मास्टर सिलेंडर की लाइन होती है वो सब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ से आप बोनट ओपन आप कर सकते हैं, बोनट ओपन करके आपको दिखाता हूँ अभी वहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है देखने को, मतलब क्या क्या अंडर बॉडी कवरिंग में आपको मिलती है या नहीं मिलती है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप और हैंडल लेवलिंग के लिए स्विच आपको देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल अब आपको वैगनर में भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप जो सर्कुलर एसी वेंट को बंद कर देंगे, बट उसके बाद भी थोड़ी बहुत जो एयर का फ्लो है वहाँ पे आता है, पूरी तरह से आपको शट नहीं होता है। आपको बोनट खोल के दिखाता हूँ आपको इंजन का लेआउट आपको कैसा मिलने वाला है 1.2 लीटर का, और यहाँ पे आपको क्या क्या मतलब अंडरबॉडी प्रोटेक्शन आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। बोनेट के वेट की बात करें तो बिल्कुल भी वेट नहीं है गाड़ी, बहुत हल्का बहुत मतलब मिनिमल सा आपको वेट आपको देखने को मिलेगा, और कोई इंसुलेशन वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी, इंसुलेशन की जरूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी दे देते तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं। बाकी अंडरबॉडी प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं कुछ भी आपको इंजन में देखने को नहीं मिलेगा। 1.2 लीटर का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलता है, 4 स्पार्क प्लग वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी इधर आपका वॉशर फ्लूइड के लिए आपको मिल जाता है, उसके आगे जो सायरन आपको जो जैसे आप गाड़ी लॉक अनलॉक करते हैं तो जो आवाज़ आती है आपकी वो इस ब्लैक वाले बॉक्स की आपकी आवाज़ आती है। बाकी इधर आपका ब्रेक फ्लूइड जाता है, और इधर आपका जो एयर इनटेक के लिए आपका पाइप है जो होज पाइप है वो यहाँ से आपका जाता है। बाकी उधर आपका एयर फिल्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इधर राइट साइड में आपकी बैटरी की प्लेसमेंट, फ्यूज बॉक्स और ECM की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और आगे की साइड जहाँ पे आपका रेडिएटर है यहाँ पे आपको कूलेंट के लिए आपको रिफिल करने के लिए स्पेस है, यहाँ पे आपको मतलब जो क्या बोलते हैं ढक्कन वगैरह वहाँ पे आपको रेडिएटर का ढक्कन और कूलेंट की बोतल का ढक्कन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको इंजन में गाड़ी का आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी के इंटीरियर में चल के बात करते हैं क्या कुछ आपको इंटीरियर में आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों का ध्यान उसी पेपर पे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस लिखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं मतलब सारे प्राइस उसी में लिखे हुए हैं, तो मोस्टली लोगों को उसी का वेट करें कि क्या क्या प्राइस है एक एक पार्ट का। मतलब वीडियो के एंड में मैं कवर कर दूंगा पक्का, एक एक प्राइस आपके लिए कवर करूंगा। अगर आपको जल्दी भी लग रहा था उसको वीडियो पॉज करके आप देख भी सकते हैं कि क्या किस चीज़ की क्या क्या प्राइसिंग आपको वहाँ पे मिलेगी। बाकी गाड़ी का डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल आपको इस टाइप से मिलने वाला, सेंटर कंसोल में भी आपको जो सिरेमिक फिनिश है आपको देखने को मिलेगी। गाड़ी में आपको दो ही एयरबैग मिलते हैं, एक आपको ड्राइवर साइड पर और एक आपको को ड्राइवर साइड पर आपको देखने को मिल जाता है।
बाकी गाड़ी में आपको वही 7 इंच की स्क्रीन मिलती है, वो कवर करता हूँ बाद में। ग्लोव बॉक्स की बात करते हैं, डिसेंट ग्लोव बॉक्स आपको मिल जाएगा, साइज ना बड़ा ना छोटा मिलता ना, बट ग्लोव बॉक्स में आपको कोई भी कूलिंग ऑप्शन है, कोई भी आपको क्या बोलता हूँ उसमें चार्जिंग ऑप्शन है, कोई भी लाइटिंग ऑप्शन वहाँ देखने को नहीं मिलेगा, चार्जिंग तो नहीं मिलता है। गाड़ी में आपको 3 grab handles मिल जाते हैं, बट वो भी आपको फिक्स्ड ही मिलता है, उसमें भी आपको रिट्रैक्टेबल ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो थोड़ी प्रीमियम फील देता है, बट वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनके स्क्रूज भी वहाँ पे आपको विजिबल देखने को मिल जाते हैं। रियरव्यू मिरर आपको मिल जाता है और मैनुअल आपको मिलता है, बट आपको डे नाइट एडजस्टमेंट है वो आपको देखने को मिल जाती है। एक ही गाड़ी में केबिन लाइट मिलेगी फ्रंट में, वो भी आपको हेलोजन ही मिलेगी। उसके पीछे आपको ब्लूटूथ जो माइक रिसीवर है वो आपको देखने को मिल जाता है। फोर ड्राइवर साइड पे जो आपको सनवाइजर है वहाँ पे आपको सिर्फ मिरर मिलता है, लाइट नहीं मिलेगी। इधर आपको मिरर भी नहीं मिलता, सिर्फ आपको टिकट होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से आपको जो ओवरहेड था ये सब चीज़ आपको देखने को मिलती है। जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी बात कर लेते हैं, सेंटर राइट साइड में आपको एक छोटी सी एमआईडी स्क्रीन मिल जाती है सर्कुलर शेप में, और सेंटर में आपको स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वैसे आपको मिल जाती है, आरपीएम आपको मिल जाता है, आपका रेंज, आपकी जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो आपको मिल जाता है, और नीचे आपको फ्यूल गेज आपको देखने को मिलेगा, ट्रिप ए ट्रिप बी, वो बाकी जो इन्फॉर्मेशन उसको अगर आपको चेंज करना तो यहाँ पे आपको नो प्रोवाइड की उससे आप चेंज कर सकते हैं। वही आपका रेंज, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ट्रिप ए ट्रिप बी। तो भाई मिनिमल इन्फॉर्मेशन है, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। गाड़ी की स्टेयरिंग की बात करते हैं, स्टेयरिंग पे आपको राइट साइड में कोई भी कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग में आपको फ्लैट बॉटम आपको देखने को नहीं मिलता है। स्टेयरिंग पे आपको स्टेयरिंग कवर आपको देखने को मिलेगा, उसका प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, सारे प्राइस आपके लिए कवर करूंगा। बाकी कंट्रोल्स की बात करते हैं, आपको नीचे यहाँ पे आपको टेलीफोनिक कंट्रोल और जो आपको वॉइस कमांड के लिए कंट्रोल है वो मिल जाता है। बाकी ऊपर की साइड आपको वॉल्यूम अप डाउन के लिए बटन, म्यूट के लिए बटन, मोड के लिए बटन और सीक के लिए बटन है, वो सब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। राइट साइड में आपको कोई भी कंट्रोल वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है गाड़ी में। लेफ्ट साइड में स्टेयरिंग के पीछे आपके वाइपर के कंट्रोल और राइट साइड में आपके लाइट के कंट्रोल और फोग लैंप के कंट्रोल आपको वहीं पे देखने को मिल जाते हैं। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करते हैं, आपको सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, मतलब इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं बट आप इसको अंदर बाहरी अपनी तरफ आप इसको नहीं खींच सकते, सिर्फ आप ऊपर नीचे इसको आप कर सकते हैं। अब ये लोअर पोजीशन पे है, बाकी इतना ऊपर आपका चला जाता है और कुछ इतना नीचे आपका आ जाता है। किसी भी पोजीशन पे आप सेट कर सकते हैं जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो, सिर्फ आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको देखने को यहाँ नहीं मिलता है। तो ये तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टेयरिंग व्हील। सेंटर कंसोल की बात करते हैं, यहाँ पे आपको हेड लाइट के लिए बटन मिलता है, नीचे आपको एसी के लिए आपके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एसी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, मैनुअल एसी आपको देखने को मिलता है गाड़ी में। बाकी आपको जो नॉब्स मिलते हैं वो सर्कुलर नॉब्स आपको मिलेगी, लेफ्ट साइड में आपको टेम्परेचर मोड के लिए मिल जाता है आपको लेफ्ट साइड में, सेंटर में आपको फैन स्पीड के लिए मिलता है और राइट साइड में आपको टेम्परेचर कंट्रोल नॉब आपको देखने को मिलेगा। बाकी ऊपर आपका ऑन ऑफ करने के लिए बटन और नीचे आपको रिसर्कुलेशन के लिए आपको स्लाइडर बटन दिया गया है। बाकी नीचे आपको ट्रॉली का एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, एक ही गाड़ी में आपको चार्जिंग स्लॉट मिलता है। उधर आपका USB रॉक्स की कनेक्टिविटी के लिए ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी नीचे यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं फोन होल्डर के लिए स्पेस, उसके पीछे आपको गियर नॉब मिल जाती है। गाड़ी में आपको टोटल 6 gears मिलते हैं, 5 reverse, 1 front आपको देखने को मिलेगा। जो कैमरे की क्वालिटी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से मिलेगी। कोई गाइडलाइंस वगैरह कोई भी डिफरेंट मोड्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता, सिंगल आप मोड यहाँ पे आपको कैमरे का मिलेगा। इतना क्लियर नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा पीछे है क्या नहीं है, बिल्कुल भी समझ वहाँ पे नहीं आ रहा, उतना क्लियर कैमरा नहीं है। थोड़ा सा लैग भी वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे मतलब हटाने के बाद भी तुरंत नहीं लगता है, थोड़ा सा टाइम वो लगाता है, मतलब रिवर्स गियर लगाता है उसके बाद थोड़ा सा टाइम वो लेता है। बाकी जो को सेंटर कंसोल का लोअर पार्ट है वहाँ पे आपको जो बेज कलर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है, बाकी ऊपर वाला आपका ब्लैक पार्ट है जो कि सिरेमिक में कवर अभी किया हुआ है। बाकी यहाँ पे आपको बोट होल्डर के लिए स्पेस और वहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है, थोड़ा बहुत कुछ भी आप रख सकते हैं। पीछे आपको एक हैंड ब्रेक मिलता है, कोई भी सेंटर में आपको आर्मरेस्ट या पीछे आर्मरेस्ट कुछ भी यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। सो ये गाड़ी की आपकी 7 inch की स्क्रीन, यहाँ पे आपको 7 inch की स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। गाड़ी में टोटल 4 speakers मिलते हैं, वही सेम फंक्शंस मिलते हैं जो आपको पुराने स्विफ्ट में मिलते थे, वही मतलब स्विफ्ट में जो मिलते हैं सेम वही पुराने फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। कोई भी आपको टच बटन्स नहीं मिलता, लेफ्ट साइड में आपके म्यूजिक के कंट्रोल्स हैं और राइट साइड में यहाँ पे आपको होम के लिए बटन, आपको बैक के लिए बटन, सेटिंग के लिए बटन और आपका म्यूजिक में जाने के लिए बटन। बाकी लेफ्ट साइड में जो आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स है वो सारे आपके म्यूजिक के लिए आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इधर आपको क्या बोलते हैं जो आपकी टाइम एंड डेट के जो आपके कैलेंडर है वो आपको देखने को मिलेगा। उधर आप स्वाइप करेंगे तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी वगैरह की क्या बोलते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको देखने को मिलेगी, वार्निंग्स वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी, आपका रेंज, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वही सेम फीचर जो आपको स्विफ्ट में मिलते हैं, सेम डिटो वही फीचर आपके कॉपी पेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी आपको चेंज फीचर्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले भी आपको देखने को मिलेगा। आपको कनेक्टिविटी में आपको एफएम कह रहा हूँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स कनेक्टिविटी और क्या बोलते हैं यूएसबी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो आपको क्या बोलते हैं आपका जो सुजुकी का स्मार्ट सिस्टम है कनेक्टिविटी का वो आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा, इधर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। बाकी आप ऊपर से सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो भी फ़ोन कनेक्टेड होगा उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, या यहाँ से आप डायरेक्टली आप अपना फ़ोन पेयर भी कर सकते हैं, तो वो सब आप वहाँ से कर सकते हैं।
कि लेफ्ट साइड में जो भी आपका FMEM प्ले हो रहा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको, म्यूजिक जो प्ले हो रहा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेटिंग्स में यहाँ से ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी ब्राइटनेस के लेवल 20 लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस का मिल जाता है आपको, वो यहाँ से आप एडजस्ट आप कर सकते हैं। बाकी नीचे वाला जो बटन जैसे मैंने था, यहाँ से आप बैकअप जा सकते हैं, तो इधर से आप बैक कर सकते हैं। अगर उसके नीचे वही आपको डेट एंड टाइम के लिए आपको मिल जाता है, जो नॉर्मल सेटिंग्स होते हैं आपके टाइम फॉर्मेट आपका सिंक करने के लिए। बाकी इधर आपको व्हीकल अलर्ट्स मिल जाते हैं, आपको डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट, डो फ्यूल, थोड़े बहुत ही कम मिलते हैं। जो आपका स्विफ्ट में थोड़े से आपको ज़्यादा व्हीकल अलर्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको उतने नहीं मिलेंगे। लो कीपैड वाइल ड्राइविंग ये भी आप कर सकते हैं। बाकी आप इधर जो क्या बोलते हैं स्क्रॉल थ्रू स्टीयरिंग कंट्रोल, वो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। गाड़ी में आप सिक्योरिटी भी आप लगा सकते हैं, मतलब पासवर्ड भी आप लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। कोई भी मतलब आपका दोस्त वगैरह छेड़खानी करते हैं म्यूजिक सिस्टम में, तो उसके लिए आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। बाकी नीचे भी आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और नीचे आपको जो रीसेट के लिए ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। ऑडियो की सेटिंग्स में यहाँ पे आपको बेस ट्रेबल की सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे उसके नीचे आपको बैलेंस फैक्टर मिलता है, जिसे आप जो क्या बोलते हैं साउंड आप एडजस्ट कर सकते हैं कि इधर आपको ज़्यादा साउंड चाहिए। इधर आपको इक्वलाइजर्स मिल जाते हैं। बाकी नीचे वॉल्यूम में जाएंगे तो आपको फोन कॉल की वॉल्यूम, रिंगटोन की वॉल्यूम, और जो आपको सिस्टम की वॉल्यूम है वो यहाँ से आप एडजस्ट आप कर सकते हैं। बाकी उसके नीचे आपको जो स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल होता है वो भी आपको देखने को मिलता है, उसके लेवल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाई लो मीडियम जो भी आपको करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी उसके नीचे आपको ऑक्स गेन के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वो तब आपका हाईलाइट होगा जब आपका ऑक्स वहाँ पर लगा होगा, ऑक्स की वायर। बाकी नीचे आपको सिस्टम बीप ऑन ऑफ करने के लिए, जो आपका व्हीकल अटेंशन सॉरी वॉल्यूम अटेंशन ड्यूरिंग रिवर्स है, वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी नीचे आपका वही ट्यूनर की सेटिंग्स आपको मिल जाती है, और यहाँ से आप स्मार्टफोन आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको देखने को मिलेगा, बट वायरलेस नहीं मिलता आपको, वायरलेसली आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम उतना आपको क्या बोलते हैं उतना फ्लुएंटली वर्क नहीं करता, थोड़ा सा आपको लैग आपको सिस्टम में देखने को मिलेगा। बाकी अभी मैं आपको पर्चा दिखाता हूँ, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इतनी रेट की इन्फॉर्मेशन है सब लिखी है। तो ये सब आपको इसमें जो पार्ट ऑफ एक्सेसरीज जो कंपनी ने लगा के दिए वो आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट बम्पर प्रोटेक्शन, रियर बम्पर प्रोटेक्टर, जो आपका साइड स्कर्ट प्लेट्स होता है वो आपको मिल जाती है, व्हीकल आर्च क्लैडिंग, आपका बॉडी साइड मोल्डिंग, आपका डोर वाइजर, फ्रंट अपर ग्रिल क्रोम जो मैंने आपको दिखाया, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी। नंबर प्लेट की जो गार्निश होती है आपकी, डोर सिल गार्ड, इंटीरियर स्टाइलिंग, और बाकी जो क्या बोलते हैं उसको इंटीरियर स्टाइलिंग में ये जो सिरेमिक कोटिंग सिरेमिक जैसा जो आपको दिख रहा है वो सब है। स्टेयरिंग कवर, रियर स्पॉइलर, रियर कैमरा सब मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था। जो कंपनी की तरफ से प्राइस क्लेम था इस चीज़ का वो था आपको 53,398 रुपीज़। बाकी जो पैकेज का प्राइस आपको अलग से मिलेगा आपको अराउंड 40,000 का आपको देखने को मिलेगा, 10 रुपये भी आप बचा सकते हो तो 39,990 का आपको पड़ने वाला है। तो अगर आप ZXI प्लस में जाते हैं तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा, अगर आप VXI या ZXI में जाते हैं तो वहाँ पे भी आप अलग से एक्सेसरीज एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा मिलती है जो कि आपका फोक लैंप है, जो कि आपको VXI या ZXI में नहीं आता। तो फोक लैंप अगर आपको लगवाना है सिर्फ तो आप 46,500 का वो भी आप लगवा सकते हैं। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल कंटेंट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड।